राम राम मारी सगली सहेलियां, मारवाड़ी सहेली चैनल पर आपरो स्वागत है। सारा बड़बड़ोलिया और नई नई जानकारी रे वास्ते आपने मारवाड़ी सहेली चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लीजो, ताकि आपानो साथ है वो हमेशा बनियो रहे। आज अपा भादवार महीना में आउनाली चौथ माता री कहानी सुनाला। तो कहानी रे हिसाब एक बुढ़िया माई ही बीरे बेटा रो नाम बछलियो हो। बुढ़िया माई 12 महीना में 12 चौथ रो व्रत करती आपरी बेटा री सलामती रे वास्ते। अब बुढ़िया माई रो बेटो हो जिको जंगल रे मायनू लकड़ियां काट लातो और बाजार रे मायने बा लकड़ियां ने बेच और आपरो गुजारो करतो। अब बा बुढ़िया माई रोजीना बेटो जीव लकड़ियां ले रहा तो बीर मायनू दो लकड़ी आपरी निकाल न्यारी मेल देती और पच भेड़ी कर और जद मीनो उजिया तो जना मीना आला दिन बा नजार बेचियाती और जिका पीसा मिलता बा लकड़ियां का बांका बुढ़िया माई चौताले दिन पसारी रे दुकान मा तू जाए और आपरो सामान लिया थी। सामान लार पच बुढ़िया माई चौताले दिन बाकी पुआर पूड़ी निकाल लेती। एक पुओ तो गणेश जी महाराज ने भोग लगा देती, एक चौत माता रे वास्ते राख देती, एक ब्राह्मण ने दे देती और एक आपरे बेटा ने खिलाई देती। लार एक पुओ बस तो जना बा अरग दे और पच खुद खा लेती। एक दिन भादवार महीना री बड़ी चौथ थी एर वो बुढ़िया माई रो बेटो हो जिको आपरी पड़ोसन रे घरे गियो। जना आगे पड़ोसन है जी की पुआर पूड़ी निकाल रही, जना वो पूछियो कि आज काई है, क्या निकालो पुआ पूड़ी। जद बा पड़ोसन बोली कि मैं तो आज ही बनायो हूँ और थारी माँ है जी की तो हर चौथ ने पुआ पूड़ी बनावे है। तू तो इतनी मेहनत मजदूरी कर और घर मायने पीसा कमार लावे और थारी माँ है जी की आराम बैठी बैठी पुआ पूड़ी खावे है क्यों। पड़ोसन कनु आ बात सुनता ही बेटा ने री सही और वो भाग्यो भाग्यो आपरे घरे आयो और आर माँ ने पूछे कि माँ तू रोजीना पुआ बनावे है, मैं तो इतनी मेहनत तू कमाऊ हूँ। जना बुढ़िया माई बोली कि मैं तो चौथ माता रो व्रत करू हूँ, बिदिनी पुआ पूड़ी बनाऊ और चौथ माता ने भोग लगाऊ हूँ। जना बेटो रीस से माई ने बोलियो कि या तो तू मन ने राख ले या फिर तू थारी चौथ माता ने राख ले। जना बुढ़िया माई आपरे बेटा ने समझाई और क्यों कि मैं तो थारे वास्ते चौथ माता रो व्रत करू हूँ तो मैं थने भला ही छोड़ दू, पर मैं चौथ माता ने नहीं छोड़ू। जना बेटो कियो कि तू मने कौन राख नहीं चाहे ले मैं तो घर छोड़ डर जाऊं हूँ। जना बुढ़िया माई कियो कि तू जा तो भला ही, पर ए आका ले जिया थोड़ा सा चौथ माता नाव रा, तने मार अगरे महीने या तू जठे भी रेवे तने कोई परेशानी वे थारे ऊपर कोई संकट आवे तो तू अण मैनू एक आको लेर पूर दीजिए थारो संकट है जी को दूर हो जाई। बेटो मन में सोची कि यहाँ कोई थोड़ी हुई आकरे, आ तो झूठी बात है, पन लेर चालना में कहीं लागे आका ही तो है, कोई बोस तो लागे को नहीं जिन वो आपके आका ले लिया। वो आगे चाल तो गियो आगे गियो और एक नदी आई, पन भी नदी रो पानी को नहीं हो, बिरमाई तो खून रही नदी पूरी खून ही खून बह रही हो। अब बिन कठिनी आऊने जाऊने मारक कौन मिल रही हो, जना वो आपको एक आखो निकालियो और भी नदी रमाई ने फेंक दियो। हे चौथ माता तू सच्ची है और मारी माँ मारी सलामती रे वास्ते सच्ची श्रद्धा थारी भक्ति करी है तो तू मने रास्तो दे दीजिए। इतो कहता ही जटू बिने तो रास्तो मिल गो, वो तो आराम बा नदी पार कर आगे गियो प्रो वा आगे गियो तो आगे खूब उजाड़ी एकदम मोटो गणगोर जंगल हो, अंधेरो भी हुए लागो। जम वो सोचियो कि अटे तो इतो जंगल है, इरमाइन मन कोई जंगली जानवर खा जाए तो कोई ठाई कौन पड़े कि कट गियो है। जना वो आपको एक आखो लियो और वो आखो पूर बोलियो कि हे चौथ माता मन रास्तो दिखा क्यों। जम्बा जल्दी से बिने वो रास्तो मिल को जंगल पार उगो भी सु। जंगल पार कर वो एक राजा री नगरी रे मायने पुगो। जना बटा राजा हा जिका रोजीना एक आदमी री बलि देता, तो जी गली मु निकलियो बट एक बुढ़िया माई बैठी और रोती जावे और पुआ पूड़ी काटती जावे। जना वो लड़को जिको रुककर पूछियो कि भाई बुढ़िया माई तू रोवे क्यों है काई हो। जना बुढ़िया माई जवाब दियो कि मारे तो एक ही बेटो है पण काले ई नगर रा जिका राजा है बे मारे बेटा री बलि देवेला, मैं मारे बेटा रे वास्ते ही पुआर पूड़ी काटू हूँ। जद वो बोलियो कि बुढ़िया माई तू ए पुआर पूड़ी मन खुआ देवे तो मैं थारे बेटा री जगह बलि पर चढ़ जाऊंगा। जद बुढ़िया माई बोली कि नहीं बेटा तू भी तो कोई रो बेटो है, मैं एक माँ हूँ, मैं दूजा रे बेटा ने क्या बलि पर चढ़न दू। पण वो लड़को जिद कर लियो कि बुढ़िया माई तू विश्वास राख और तू मने ए पुआ पूड़ी खुआ दे, मैं ही जाऊंगा थारे बेटा रे बदला रे माई ने। जना वो मान्यो कोनी, जना बुढ़िया माई बिने पुआर पूड़ी पेट भर खुआ दिया, वो तो खाई पी और आपरो माई नजार सोई गो और कियो बुढ़िया माई रात ने राजा रा सिपाही जी का बुलाबा आवे तो मन उठा दीजिए। वह आधी रात हुई राजा रा सिपाही आया संदेशो लेर कियो चालो के राजा साहब रो ऑर्डर है बुलावे,
जद बुढ़िया माई मन रमाइंस होते है कि मैं किया कोई रे बेटा ने बलि चढ़ने वास्ते उठाऊं क्यों। बुढ़िया माई तो उठाई को नहीं, पर वो आपको आवाज सुन और वो खुद ही उठर बारा ने आई को आई परो एर पचा आपको जी को एक कन्ने एक थैली एक लकड़ी बा बुढ़िया माई ने दे दी कि इन्हें संभाल राजे मैं पाचों लजन मन पाछी दीजिए। जद बुढ़िया माई मन रे माई ने सोचे कि बल्ली पर गियोड़ो पाछो कोई आवे है के बाबो तो यहाँ के राजा रे आदमियां साथे चलियो गयो। अब इन्हें ले जाई और जट कुमार मटका पकाया करे भाड़ गलिया करे भी भाड़ रे माई ने बिन बिठा दियो। भट्टा का राजा को ओ मानना हो कि इर महीने एक आदमी री बली देवा जनाई ओ आवे जी को पकेला क्यों। अब राजा रा सारा सिपाही मिलर भी आव ने चुन दियो और माई ने बिन बिठा दियो। वो आव रे माई ने बैठ को और एक आखो पूर दियो और बोलियो के हे चौत माता तू साची है और मारी मारी भक्ति साची है तो मने ई आव रे माई नु बचा लीजिए। वह दूजे दिन ही वो आओ तो पग्गो और बिरमाई ने जी का माटी रा गड़ा हा बे सब सोना चांदी रा गड़ा बनका आओ रे कनु कोई बुआरी जाड़ी कर बाली आई जम्बा बुआरी जाड़ी करी जब कोई कांकरा उछल पड़िया जम्बा बर्तनारी आवाज आई जम्बा जाडू काट बाली जी की राजा कने जाए सिपाहिया ने कहवाड़ी हो कि भाई राजा ने कहो कि आओ तो पग्गो। जना राजा कने वो समाचार पुगो जन राजा कह आओ तो आठ दिन रे मई ने पकिया करे एक दिन में थोड़ी पकिया करे क्यों ओ तो काल ही लग गयो अपा आज किया पग्गो के। जद राजा सिपाया ने साथे लेर बट गियार जार देखे तो आगे माटी का गड़ा हा बे सब सोना चांदी रा गड़ा योड़ा पड़िया चमचमाट करे। सिपाही गड़ा ने उतार बा लागा जन माई नु आवाज आई कि भाई धीरे धीरे उतारो माई ने मान को भी बैठो है। आ आवाज सुनी के राजा रा सिपाही तो डर गा के कुण बोलियो के आदमी माई ने कटू आयो के जलती आग्र माई नु कोई आदमी बचिया करे के बे सोचियो कोई भूत है जो भूत बोले बे सारा डर भागगा बटूं। जना वो बोलियो माई नु पाचो कि डरो मत मैं तो मान को ही हूं मैं तो आदमी हूं के। जना बे सिपाही गड़ा उतारिया तो माई ने देख के जिना आदमी ने बिठायो वो ही आदमी माई ने बैठियो और चारू मेर बिरे हरिया भरिया जुआरा उग रिया है। जना राजा ना चुंबो यो राजा पूछियो कि तू आग्र मई नु जीव तो किया बचगोगे। जना वो कियो के मारी माँ है जी की चौथ माता रो व्रत करे और बा मैं घरू निकलियो जना चौथ माता नावरा आका मन दिया मैं आका पूरिया आटे और बे आकारी वजहूं चौथ माता मने बचा लियो। जना राजा कियो भाई मैं किया मानू के थारी बात है जी की साची है ई बात ने मैं तो मानू को नहीं मैं तो आंखियां देखूं भी बात नहीं मान्या करूं कि तू मारे सामी आपा दो घोड़ा पर बैठा थारे पगारे है जी की मैं सांकल बांध दू और तू चौथ माता रो नाव ले अगर बा सांकल खुलर मारे पगा ने मैंने बंद जावे जना मैं ओ चमत्कार ने मानू के हाँ भाई थारी चौथ माता सांची है। जना वो क्यों ठीक है वह दो घोड़ा मंगवाया दोनों घोड़ा पर एक पर राजा चढ़गा एक पर वो चढ़को वो हाथ जोड़ चौथ माता विनती करे के हे चौथ माता तू मारी आज तक लाज राखती आई है आज मारी और लाज बचा लीजिए। इतो कहता ही बीर पगारी जी की सांकला ही बेखुल और राजा रे पगा ने मायने पड़गी। जद राजा भी चमत्कार ने मान लियो और गांव रे मैंने डिंडोरो पिटवा दियो कि सब कोई चौथ माता रो व्रत कर जियो। फिर राजा आपरी कन्या रो ब्याह बीरे साथे कर दियो और खूब हाथी घोड़ा धन दौलत हीरा पन्ना दे दुआई और बिने विदाई दी। गांव में बढ़िया जनबा पड़ोसन बोली कि दे बुढ़िया माई थार बेटा और बहू आवे धन दौलत हाथी घोड़ा पाल की लेर आया है बे तो। जना बुढ़िया माई देखियो तो साचा नहीं बीरो बेटा और बहू हाथी घोड़ा से सज दजर आया। जना बुढ़िया माई चौथ माता ने हाथ जोड़िया क्यों आ तो चौथ माता री कृपा है हमारे ऊपर के हे चौथ माता डोकरी डोकरी री बेटा मत कृपा करी बी कहानी कहता सुनता हुकारा भरता मान सबरे ऊपर ही कर जो। काल अपा और मिला ला एक नई कहानी रे साथ तब तक आप ध्यान रख जो। धन्यवाद।